हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2004 में आई मूवी वीरज़ारा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पाकिस्तान से, जहाँ पर पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि वो इंडियन प्रिजनर्स के केस सॉल्व करके उन्हें छोड़ देगा, जिसमें से केस था कैदी नंबर 786 का, जो 22 साल से पाकिस्तान के जेल में था और उसने आज तक किसी से भी बात नहीं की थी। अब उसका केस सामिया सिद्दीकी को दिया जाता है। अब सामिया का ये पहला केस था और उसे हर हालत में ये केस सॉल्व करना था, ताकि वो लोगों को साबित कर सके कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। सामिया जब जाकर कैदी नंबर 786 से मिलती है तो वो कुछ भी बात नहीं करता। तब सामिया पहली बार उसे वीर प्रताप सिंह कहके बुलाती है, जिसके बाद वो कैदी सामिया के साथ बात करना शुरू कर देता है। एक्चुअली उसका असली नाम वीर प्रताप सिंह था। सामिया वीर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपनी कहानी बताए, ताकि सामिया उसकी मदद कर सके। अब सामिया के बोलने पर वीर उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है और कहानी 22 साल पहले शिफ्ट हो जाती है। हम ज़ारा नाम की लड़की को देखते हैं, जो एक पाकिस्तान के पॉलिटिकल खानदान से बिलोंग करती है। ज़ारा उसके पापा की इकलौती बेटी थी, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही लाड़ प्यार से परवरिश हुई थी। अब ज़ारा की शादी रजा से तय हो गई थी, जो कि एक पॉलिटिकल खानदान से बिलोंग करता है। एक दिन जब ज़ारा बाहर से आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अब ज़ारा अपने दादी की बहुत ज़्यादा करीब थी। ज़ारा जब जाकर दादी से बात करती है तो ज़ारा की दादी उसे अपनी आखिरी इच्छा बता देती है। वो कहती है कि जब वो छोटी थी तो उसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था, लेकिन पार्टीशन के बाद वो लोग पाकिस्तान आ गए। लेकिन ज़ारा की दादी चाहती है कि मरने के बाद वो वहीं पर जाए जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। इसलिए वो ज़ारा से रिक्वेस्ट करती है कि मरने के बाद उनकी अस्थियां वहीं पर बहा दी जाए जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। अब ज़ारा भी उनसे वादा करती है, जिसके बाद उसकी दादी की मौत हो जाती है। दादी की मौत के बाद ज़ारा अपना वादा पूरा करना चाहती थी। ज़ारा की माँ उसे समझाती है कि वो उसकी दादी की अस्थियां हिंदुस्तान भिजवा देगी, लेकिन ज़ारा खुद अपनी दादी का अस्थि विसर्जन करना चाहती थी। इसलिए वो बिना अपने घर वालों को बताए हिंदुस्तान के लिए निकल पड़ती है। ज़ारा ने ये बात बस अपने मेड शब्बो को बताई थी। जब ज़ारा पाकिस्तान से इंडिया बस से आ रही थी, तभी उनके बस का एक्सीडेंट होता है और बस खाई में गिर जाती है। वहाँ के सारे पैसेंजर्स तो सही सलामत थे, लेकिन उन्हें वहाँ से निकालना था। अब वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को बुलाया जाता है, जिसमें था पायलट वीर प्रताप सिंह। वीर जब ज़ारा को वहाँ से निकाल रहा था, तभी ज़ारा को याद आता है कि उसकी बैग बस में रह चुकी है। इसलिए वो वीर से जिद करने लगती है कि उससे उसकी बैग चाहिए। वीर उसे समझाने लगता है कि वापस वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन ज़ारा उसकी एक बात नहीं सुनती, जिसके बाद वीर उसे बस के पास ले जाता है और ज़ारा अपनी बैग ले लेती है। लेकिन जब वो ऊपर आते हैं तो वीर ज़ारा पर काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि ज़ारा की इस हरकत से उन दोनों की जान जा सकती थी। लेकिन ज़ारा उससे कुछ नहीं कहती और वहाँ से निकल जाती है। अब ज़ारा को वहाँ से दूसरे गाँव जाना था, लेकिन बस दूसरे दिन थी, इसलिए ज़ारा को एक ढाबे पर ही रुकना पड़ता है। वहाँ पर उसकी फिर से मुलाकात वीर से होती है। ज़ारा इस बार वीर से बात करती है और उसे बताती है कि वो बैग उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी। ज़ारा बताती है कि उस बैग में उसकी दादी की अस्थियां हैं और उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वो यहाँ पर आई है। अब ये सुनने के बाद वीर थोड़ा सा शांत हो जाता है। ज़ारा चाहती है कि वीर उसकी मदद करे। वीर तभी तो उसे मना कर देता है, लेकिन जब अगले दिन ज़ारा बस में बैठ जाती है तो वीर भी उसके साथ आता है। वो ज़ारा से कहता है कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा, जिसके बाद वीर ज़ारा को लेकर वहाँ पर जाता है जहाँ पर अस्थियों का विसर्जन करना था। वहाँ पर ज़ारा वीर को भी अपने साथ बुलाती है और वो दोनों मिलकर उसकी दादी का अस्थि विसर्जन कर देते हैं। अब वीर ने ज़ारा की इतनी मदद की थी, इसलिए ज़ारा उसे थैंक्स कहती है और उसे कहती है कि अगर वीर को कुछ भी चाहिए होगा तो वो मांग सकता है। लेकिन अब तक वीर ज़ारा को पसंद करने लगा था और वो चाहता था कि ज़ारा उसके साथ कुछ और टाइम स्पेंड करे। इसलिए वो ज़ारा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ उसके घर पर आए, क्योंकि वीर उसे अपने घर वालों से मिलवाना चाहता था। अब ज़ारा भी उसे मना नहीं कर पाती और वो वीर के साथ चली आती है। यहाँ पर वीर उसे अपना गांव दिखाता है, फिर अपने घर वालों से मिलवाता है। एक्चुअली वीर के मम्मी पापा की जब वो छोटा था तभी डेथ हो चुकी थी। वीर अपने चाचा चाची के साथ रहता था। ज़ारा भी उनके साथ दो दिन रहती है और वहाँ पर वो काफ़ी एंजॉय करती है। वीर के घर वाले भी समझ जाते हैं कि वीर ज़ारा को पसंद करने लगा है, इसलिए वो वीर से कहते हैं कि वो ज़ारा को अपने दिल की बात बता दे। तो वही वीर अब ज़ारा को स्टेशन छोड़ने के लिए आ जाता है। वो ज़ारा को बताने वाला था कि तभी वहाँ पर ज़ारा का मंगेतर आता है।
वीर रजा को देखकर काफी नाराज हो जाता है क्योंकि जारा ने उसे नहीं बताया था कि उसकी शादी तय हो चुकी है। वीर जारा से कहता है कि अगर जारा ने उसे पहले ही बता दिया होता तो शायद वीर जारा से प्यार नहीं करता। ये बात सुनकर जारा काफी शॉक थी कि वीर को उससे प्यार हो गया है। जारा के पास उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं था और वो वहां से निकल जाती है। अब जारा पाकिस्तान वापस आ गई थी और एक महीना हो चुका था, लेकिन उसके पापा ने उससे बात नहीं की थी क्योंकि जारा बिना बताए हिंदुस्तान गई थी। ये बात उसके पापा को पसंद नहीं आई थी। अब जल्दी जारा की एंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन जारा अपने ख्यालों से वीर को निकाल नहीं पा रही थी। उसे हर बार बस वीर के ही ख्याल आ रहे थे। जारा अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो अपने पति के लिए जान दे सकती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिसके बाद जारा पूछती है क्या उनके पति उनके लिए जान दे सकते हैं, जिसका जारा की माँ के पास जवाब नहीं था। जारा कहती है कि वो एक ऐसे इंसान से मिली है जो उसके लिए अपनी जान दे सकता है। ये बात सुनकर जारा की माँ काफी शौक थी। जारा बताती है कि उसे वीर से प्यार हो गया है, लेकिन जारा की माँ उसे समझाती है कि जारा की शादी तय हो चुकी है, इसलिए जारा को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। साथ ही वो एक पॉलिटिकल खानदान से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो ये सब नहीं कर सकती। अब जारा की सगाई का दिन आता है और उस दिन जारा के पापा उससे बात करते हैं। जारा के पापा उसे बताते हैं कि जारा की जो शादी है वो एक पॉलिटिकल मैरिज है। जारा की शादी से उनकी पॉलिटिकल पार्टी को काफी फायदा होने वाला था, इसलिए वो जारा से कहते हैं कि वो कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। जिसके बाद जारा और रजा की सगाई हो जाती है, लेकिन सगाई में भी जारा को बस वीर की ही याद आ रही थी, जिससे जारा समझ जाती है कि वो वीर के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। जब शब्बो को इस बात का पता चलता है तो वो वीर को कॉल करती है और उसे बताती है कि जारा उसे बहुत प्यार करती है और वो वीर का इंतजार कर रही है। जैसे ही वीर ये सुनता है तो वो जारा से मिलने चला आता है, ये जानते हुए भी कि अगर वो पाकिस्तान चला गया तो उसे जॉब से निकाला जा सकता है। वीर बिना कुछ सोचे समझे बस जारा के लिए पाकिस्तान आ चुका था। यहाँ पर शब्बो वीर की मदद करती है और उसके लिए एक रूम ढूंढती है, जिसके बाद वीर एक दिन दरगाह में जाकर जारा को देखता है। जारा जब वीर को देखती है तो वो सबके सामने आकर उससे गले से लगती है, जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि जारा वीर से प्यार करती है। लेकिन ये देखने के बाद जारा के पापा की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर जारा की माँ से कहता है कि अगर उन्हें स्ट्रेस होता रहा तो उनकी जान भी जा सकती है। जिसके बाद जारा की माँ वीर से मिलने जाती है। वो वीर को सब कुछ बता देती है कि अगर उनके बीच कुछ भी हुआ तो जारा के पापा की मौत हो जाएगी, इसलिए वो वीर को समझाती है कि वो वापस चला जाए क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो उनकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी और फिर पता नहीं उनकी पार्टी के साथ क्या होगा। वीर भी उनकी बात समझता है और जारा के पापा के लिए वो वापस जाने की सोचता है। जाने से पहले वो जारा से मिलता है और जारा को सब कुछ बता देता है, तो वही जारा भी समझ जाती है कि अपने परिवार के लिए उसे अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी, इसलिए वो वीर को जाने देती है और जारा भी शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब वीर वापस जा रहा था तभी वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वीर को पकड़ लेते हैं। वो वीर से कहने लगते हैं कि वो कोई स्पाई है और यहाँ पर उनकी खुफिया जानकारी निकालने के लिए आया था। वीर समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी वहां पर रजा आता है और वीर समझ जाता है कि ये सब कुछ रजा ने किया था। रजा कहता है कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा है जो किसी और से प्यार करती है और रजा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रजा कहता है कि अब वीर के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वीर सबको सच्चाई बता दे कि वो यहाँ पर जारा के लिए आया था, जिससे जारा की बहुत ज्यादा बदनामी होगी और यहाँ तक कि जारा की शादी भी टूट जाएगी। एक्चुअली रजा भी खुद इस शादी को नहीं तोड़ सकता था, इसलिए वो ये सब कर रहा था। और वीर के पास दूसरा ऑप्शन था कि वो इस फॉर्म पर साइन करे जिसमें लिखा था कि उसका नाम राजेश राठौड़ है और वो एक हिंदुस्तानी जासूस है, जिसके बाद वीर की पूरी जिंदगी जेल में ही गुजर जाएगी। अब वीर जारा की बदनामी नहीं चाहता था, इसलिए वो फॉर्म पर साइन कर देता है, जिसके बाद वीर को जेल में डाल दिया गया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर वीर सामिया को अपनी कहानी सुना रहा था। 22 साल हो गए थे, वीर अभी भी जेल में था। वीर की कहानी सुनकर सामिया की आंखें भर आती हैं। सामिया समझ नहीं पा रही थी कि वीर इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे सकता है। वो वीर से वादा करती है कि वो उसे इंसाफ दिलाएगी, जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है। लेकिन सामिया के पास कोई भी प्रूफ नहीं था कि ये वीर प्रताप सिंह है, ना कि राजेश राठौड़, इसलिए सामिया समझ नहीं पा रही थी कि वो इस केस को कैसे लड़े। सामिया चाहती है कि अगर यहाँ पर जारा को बुलाया गया तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वीर कहता है
कि वो जारा को तकलीफ में नहीं डाल सकता। ये बात सुनकर सामिया थोड़ी सी गुस्सा भी हो जाती है, क्योंकि जारा तो वहाँ आराम से लाइफ जी रही थी जबकि वीर यहाँ पर जेल में सड़ रहा था। लेकिन फिर भी वीर जारा को बुलाने के लिए नहीं मानता। अब सामिया डिसाइड करती है कि वो वीर के घर जाएगी और वहाँ से वीर के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगी, जिसके बाद सामिया हिंदुस्तान चली आती है। वो वहाँ पर वीर के घर वालों के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि उन दोनों की मौत हो चुकी है और उसके घर में एक अनाथ आश्रम शुरू कर दिया गया था। जिसके बाद सामिया वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर उसे जारा दिखाई देती है। ये देखकर सामिया समझ नहीं पाती कि जारा यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वहाँ पर शब्बो भी आती है और सामिया को सब कुछ बताने लगती है। जब जारा को पता चला कि वीर गायब हो चुका है तो वो समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। फिर उन्हें पता चला कि वीर की मौत हो चुकी है। ये सुनने के बाद जारा को काफी बुरा लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि वीर के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी वजह से हुआ। जिसके बाद जारा ने भी डिवोर्स ले लिया और वो हिंदुस्तान चली आई। जारा की माँ चाहती थी कि जारा उनके पास रुके, लेकिन जारा हिंदुस्तान आ गई। यहाँ पर वीर के जो सपने थे वो उसे पूरा करने का ठान लेती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वीर के चाचा चाची की भी मौत हो गई, जिसके बाद जारा ने ऑर्फनेज शुरू किया और वो यहीं पर रहने लगी। जब ये बात सामिया सुनती है तो उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि वीर और जारा दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, फिर भी उनकी किस्मत में जुदाई थी। अब सामिया वीर के सारे डॉक्यूमेंट्स और जारा को लेकर पाकिस्तान वापस आती है और उस कोर्ट में वीर और जारा 22 साल बाद मिलते हैं। लेकिन उनकी बातों से पता चलता है कि वो आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना 22 साल पहले किया करते थे। अब सामिया ने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, जिससे साबित हो गया था कि ये आदमी वीर प्रताप सिंह है। कोर्ट वीर से माफी मांगता है और उसे वापस हिंदुस्तान भेज देता है। जब वो दोनों वापस लौट रहे थे तो सामिया वीर से कहती है कि अब उसे और इंतजार नहीं करना चाहिए। सामिया वीर को सिंदूर देती है और वीर जरा की मांग भर देता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और दोनों हिंदुस्तान लौट कर आते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी वीर जरा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।